मूले समुद्रस्य सरित्तदेवा यत्रैव चित्ते समुदेति भक्ति तत्रैव पश्यामि तवैव मूर्ति नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनं हृदयेन च मद्भक्ताय यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि God is not there in the temple. Kabirdasji ne bola, Moko kaha dhudho re bande, mai to tere paas me. Na tirat me, na murat me, na kashi kailas me, mai to tere paas me. Tegol ne bola, Gurudev Rabindranath Tegol. Hello, apono hridaye vashe jugne, please go into the deeper aspect of your heart. Hello, Apono Hidaya Maji Dudi. Niki Shoma, what a beautiful, what a beautiful thing. If you want to know yourself, if you want to understand yourself, that is the highest form of education in our country. And this is very, 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 very easy with the help of music. That's why music is the Navidya Sandhidatpara. इससे बड़ा कोई विद्या है नहीं. मैं म्यूजिक सीखता हूँ इसीलिए नहीं, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि व्हेन यू वांट टू कनेक्ट योर सेल्फ लाइक दिस इज ए फ्रीक्वेंसी वी नो दैट बट टू कनेक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट्स नीड्स अ ट्रेमेंडस कॉन्सेंट्रेशन. The most difficult part in raga music to hold a note without an interruption, silky finish for a longer time. We think कि जितना अलंकार गाएंगे, जितना move करेंगे, वो बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल कम है. सबसे मुश्किल है एक सूर को अच्छी तरह टिका के एक सूर में शुद्धि लाना, एक सोच में concentration लाना, एक काम पे deeper perspective जाके उसको जो सोचने वाला आदमी है वो रियल विद्वान माना जाता है. कि कैसे हम उसको सोच पे क्या करने से दुनिया का अच्छा होगा, क्या करने से सबके प्रति श्रद्धा प्रकट होगा. हाउ कैन आई डू एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड म्यूजिक इज द हाईएस्ट फॉर्म थ्रू व्हिच यू कैन सी योर इनर सेल्फ. You can see, you can self, you can develop your self-criticism. That this is pa, this is pa. सबको मालूम है कि विसुर हो रहा है. मगर जब लगाएंगे आप सुर, देखिएगा 90% लोगों को विसुर ही होता है. कि pa, difficult part. I teach myself every day morning, do this, do this, do this. And part of that I share with my students. I don't teach my students, I teach myself. Because I am the first student of myself. So every day I try to convey the problems and inabilities I have, which I am supposed to rectify. Because the whole process of our learning in our country is guru-bhakti. ऐसा करो. हाँ. मैं क्या बोला?
जैसे लगता है कि हमें सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। कुछ आता है उसमें भी संशय है, सही है। खुद की तरफ देखने का टाइम ही नहीं है, दूसरे की तरफ देखना है। उनको उनके पास वोल्वो गाड़ी है, मैंने जरूरत क्या है वोल्वो गाड़ी की? एक चार चक्का वाला एक चीज चाहिए जाने के लिए, जरूर चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में एक घर चाहिए, जाने के लिए गाड़ी चाहिए, दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट। मगर उनके पास कौन सा फ्रिज है, उनके पास कौन सा गाड़ी है, उनके पास क्या कारपेट है, दफा करिए उसको, क्या जरूरत है? हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोगों को केवल देखना है खुद को, और देखने का दृष्टि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे गुरुओं ने दिया है। हमारे सामने माँ बैठी है, इसको देखने के, माँ देखने का नजर हमें भगवान ने दिया है या नहीं वो देखो। ये जो सामने हमारे बैठी है, ये हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी शादी भी हो सकती है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारी बीवी भी हो सकती है, मगर मैं किस दृष्टि से देखूंगा वही है वो क्या है। मैं उनको माँ के कर दिखना चाहता हूँ। वाइफ सबसे पहले हमारे दोस्त होते हैं, फिर बहन बनती है, फिर धीरे धीरे वो माँ बन जाती है। जो सब कुछ देखभाल नहीं करती है तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये देखने का दृष्टि को बदलना चाहिए। संगीत इस दृष्टि को साफ करता है, इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास शुरू किया कि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड तक नहीं जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से उस दिन एक साइंटिस्ट आए थे, मिस्टर सुनील छेत्री बोलते हैं, केमिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेबल केमिस्ट, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ माई ऑनलाइन क्लास। आई हैव नाउ ऑलमोस्ट more than 100 students from all over the world who never wanted to become a musician, but they want their concentration level to engage to develop. ज़्यादा देर तक एक चीज को देखना, देखिए एक मेज जो है, एक फ्लो, उसको भी हर रोज अगर पोछा जाए तो चकमकता है, बहुत अच्छा बनाया जाए तो चकमकता नहीं है। उसको एक चीज को बहुत दफ्त करने का नाम है सफाई। जो आज मोदी जी सोच रहे कि पहले तो साफ करिए, क्लीन द होल कंट्री, एक फिजिकल क्लीनिंग है, एक मेंटल क्लीनिंग है, ये दोनों चीज को क्लीनिंग करना चाहिए। सबसे पहले जब हम गुजरात आते हैं कलकत्ता से, आपको लगता है क्या क्या साफ है, क्या आपको हम प्रेज नहीं कर रहे, एक प्रिंसिपल को प्रेस कर रहे कि लगता है कि आहा कितना साफ है। बंगाल में सिवाय दक्षिणेश्वर, वो भी बाग में बनी है, सारे मंदिर में सफाई नहीं है। आप साउथ में जाइए, हर मंदिर में साफ है, देखते ही श्रद्धा आता है। पूरी में सब लोग जाते हैं मगर सफाई नहीं है, क्योंकि साफ जो है उसे आप क्लीन आवर सेल्फ फर्स्ट, डेवलप द सेंस ऑफ क्लीनिंग थ्रू दिस म्यूजिक। ग म प ग स रे प ग म द रे म नि द म म ग प द नि प द नि रे म द प रे प म रे प द रे ग म प द। तो कहाँ है, तो सा रे रे ग ग म म प द द नि नि, 12 frequencies all over the world, there is nothing beyond these 12 frequencies, but how to connect them? इसको सारे ऐसा बोलना, या सारे सारे कैसे बोलेंगे, दैट मेक्स द राग, दैट मेक्स द फीलिंग, दैट मेक्स द पिक्चर। गाना जो है ये हवा में हवा के साथ तस्वीर बनाने का नाम है गाना। गाना कोई साइंस या टेक्निक या घराने पे डिपेंडेंट नहीं है। गाना है टू कनेक्ट माई सेल्फ विथ माई सेल्फ, टू कनेक्ट दिस गिफ्ट ऑफ एयर गिवन बाय ऑलमाइटी गॉड विच इज इन द एटमोस्फियर एंड वी हैव इन एवरी ब्रीदिंग ए पार्ट ऑफ दैट, एंड दैट पार्ट
I am using in a way that makes the picture. In the spectrum, in the whole spectrum of the universe, the nature. I'm making music. Sare, sare, re, ga, ga, ma, 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 ga, ma, la, ne, ba, ma, ma. कैसे कैसे जाएंगे? केवल connectivity. This is a part of my online training, this connectivity. आपको देखा, पहले जगह परिचय हुआ, फिर दो दिन बैठा, चाय कॉफी पिया, अच्छा लगा. फिर दूसरे भी जाएंगे तो पूछेंगे माँ कहाँ है. रात में मेरा सर कहा करके बोला बेटा तो फिर श्याम. फिर तीसरे दिन मैं आऊँगा. ऐसे जब 200 दफे आपके पास आ जाऊँगा तो आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता. आप ही के पास रह जाऊँगा. यू विल बिकम माई मदर. ऐसे एक आदमी, एक लड़के, एक बच्चे का एक माँ बनते हैं ओनली फॉर रिलेशनशिप. दैट रिलेशनशिप विल डू इन आवर राधा म्यूजिक. साथ के साथ पंचम का कैसा रिलेशन करावती में है, साथ के साथ पंचम का कैसा रिलेशन मारो बिहार में है, कैसा बिहार में है, कैसे भैरव में है. बस यही सीखना है. तो आज यूथ डे करके हम इसको मानते हैं आज के दिन, क्योंकि स्वामी जी का एक बहुत प्रिय भजन था. हो सकता है आज रात को मैं अगर दिल करे गाऊंगा प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो. प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारो कि जे लाज शरण आए कि रवि सुत त्रास निवारो. फिर कह रहे अंत में जोग यज्ञ जपत प्रदीनो वेद विमल नहीं भाक्यो अति रस रुद्ध स्वान जूठ निजो अनत नहीं चिकराख्यो प्रभु मेरे गुना गुना विचार. You please excuse me, excuse my inability, my lack of knowledge. मैं चार बज रहा है जिसमें रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए वो अच्छा नहीं लग रहा. लय जो है वो हर बीच के अंदर बीच का जो टाइम है दैट विल हैव टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लेक्सिबल है. इट्स नॉट मेंटेनिंग द लय. That's why we don't like it. If you maintain the lay, it becomes tall. So, music mein chhe cheez hai. Ye bol ke phir I will invite questions from all of you. Because I want to share with you. Because you are much more knowledgeable and learned. I mean, I'm mad to more of it. Chhe cheez hai sangeet mein. Ek hai voice. अगर कोई सितार तैयार है तो सितार, अच्छा सितार चाहिए. एक वॉइस चाहिए जैसे मतलब सारे गामा पाधा निशा आपको अच्छा नहीं लगेगा. सारे गामा पाधा निशा अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा नहीं लगेगा तो कौन सा अच्छा लगेगा वो समझने के लिए पहले बुरा क्या है वो उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए. अमित खा साहब बोलते थे बेटा किसी का गाना खराब लगे वो भी बैठ के पूरा सुनना और कैसे उसको एलिमिनेट कर दो दैट इज नॉट ट्रेनिंग. क्योंकि जिंदगी में सब चीज़ अच्छा नहीं मिलेगा. जाते जाते देखेंगे कि एक आदमी एक मुझसे को थप्पड़ मारा मैं क्या सीखा ऐसा नहीं मानना चाहिए. देखा कि एक आदमी रस्ते के ऊपर गिर पड़ा और दो आदमी आके उसको सेवा कर रहा क्या सीखा हमें ऐसा सेवा करना चाहिए. तो एवरीवेयर वी हैव समथिंग टू लर्न एट फ्रॉम एवरीथिंग इन दिस नेचर वी हैव समथिंग टू लर्न. इसीलिए सर झुका के सीखने का जरूरत है. तो इसीलिए आवाज को इसके बाद श्रद्धा तक बोलो
क्लासिकल है, इसीलिए क्लासिकल गाना हम पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि क्लासिकल गाने हम लोग को बहुत अहम कहा जाता है। अगर किसी के पास 5,000 करोड़ रुपया है, वो दिखाता है होगा तो कौन जाएगा उनके पास, 5,000 करोड़ रह लीजिए, मैं तो 5 रुपया का आदमी हूँ, मैं तो रास्ते में बैठ के कुछ का खाऊंगा, गोल क्या बोलते गोल रखा, उसमें हम खुश है, हम किसी को 5,000 करोड़ नहीं चाहिए हमें, हमारा इंसान का जो आनंद है उसके लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर वो आनंद लेना जानना पड़ेगा, वो आनंद उसमें है वो देखना पड़ेगा। आज के ज़माने में एक 2 फुट बाई 2 फुट और 1 फीट बाई 1 फीट एक बॉक्स में दुनिया को खरीद लिया, फूल कैसे बट से कैसे फूल रात भर होने के बाद फूल वक्त से फूल होता है, आज के ज़माने के बच्चे को करीब करीब 100% बच्चे को मालूम नहीं है। मैं रात भर जब के देखा कि एक सफ़ेद वट कैसे इतना बड़ा फूल हो गया सब लोग, एंड दैट इज जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड है अपना, वो देखने का नज़र चाहिए कि कैसे उसको हम इलेबोरेट करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, दैट डेवलप ट्रांसलेटेड इन राधा मुझे का डेवलप हो, मतलब हमारा सीखने के तरीके में वो चीज़ नहीं रहा, जैसे मैं बोला ऐसे बोला, जैसे मैं बोला वैसे बोला, तो मतलब गुरु से थोड़ा शिष्य कम हुआ, उस शिष्य से उसका शिष्य थोड़ा कम होगा, उस शिष्य से उसके शिष्य थोड़ा कम होगा, एक दिन समुद्र भी जाएगा रहा। दिस इज थॉरली रॉन्ग, जो मैंने कर पाया तुमको उससे अच्छा होगा, तुमको मेरा ये चीज़ ठीक नहीं होगा, तुम इसको आवाज करके देखो तुम आगे जाओ, ये हमारे गुरुवार में बहुत कम है, बहुत कम, लाखों करोड़ों में एक आध आदमी है जो ऐसा बोल सकता है कि बेटा मेरा सही नहीं हुआ, तुम किसको ठीक करो, तब जाके अल्लाह का खासा से जाके रिसन बनेंगे। अल्लाह का खासा भी सब है, मगर जाकिर है को उन्होंने ये शिक्षा दिया कि बेटा हमारा ये चीज़ अच्छा नहीं होता, ये तो फेफा खसक को सीखो, ये तो मुन्ने खसक को देखो, ये कर्म खसक को देखो, ये स्टार्ट जाकिर भाई टू एक्सेप्ट ऑल द गुड थिंग्स गुड क्वालिटी फ्रॉम ऑल द घरानाज ऑल द, हम में क्या होता है, आप किस घराने के हैं, मैं तो पटियाला का हूँ, बोल दीजिए पटियाला, पटियाला क्या है, किराना क्या है, संगीत तो संगीत ही है, आप किस घराने का है उससे कुछ तो मतलब नहीं होना चाहिए। आजकल पहले क्रिटिक लोग आते हैं हर अखबार से, आज यहाँ पूछते हैं आप किस घराने के हैं, मैं पहले सवाल बोल देते आप क्या घराने के बारे में क्या आपको मालूम है, पहले हमें बताओ, सब चुप हो जाए, तो तुम बोलो पर टू मीन बाई दिल्ली घराना, हाँ दिल्ली घराना होता, मैं बोला कि पहले सीखो उसके बाद कुछ बनने के लिए आओ। क्रिकेट का जो क्रिटिक होता है वो क्रिकेट खेलने के बाद ही उनको क्रिटिसिज्म में लाया जाता है, म्यूजिक में कोई क्रिटिक की कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, नौकरी मिल जाता है और फिर म्यूजिकल क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। अरे पहले सीखो 25 साल, हम तो 55 साल सीखने के बाद भी इतना सीखे थे, 100 में 2 भी नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ अच्छी तरह। खैर 6 चीज मैं बोल रहा था, एक है वॉइस, उसका मॉड्यूलेशन, उसको सिखाना, पिताजी तो नहीं है, आप बैठिए जरा, मैं चाय भी लेकर आता हूँ और चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बोल रहे हैं उनका शिक्षा क्या है और किन के लिए बोल रहे हैं, आपके फोटो सामने आता है और दूसरे आदमी के घर में की बात, और दूसरे आइए आइए कैसे हैं, बैठिए मैं चाय मंगवाता हूँ, सुनो चाय ले जाओ साथ के लिए, तीसरे आदमी के साथ, अरे हम लोग चाहते हैं, तू क्या चाहते हैं, मैं क्यों, तीनों घर में 3 आदमी आए हैं और रिसेप्शन उनके 3 किस्म का हो, ऐसा 30 किस्म का हो सकता है। दिस इज द वॉइस ट्रेनिंग, कैसे मुझे वॉइस को
यूज कर रहा है, एक ही वॉइस किसको गाने देता है, एक ही वॉइस किसको राम लंच कर रहा है, एक ही वॉइस किसको प्लेयर चलने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज वॉइस ट्रेनिंग। आप बोल सकते हैं वॉइस ट्रेनिंग तो म्यूजिकल चीज है, म्यूजिकल चीज नहीं है, वॉइस ट्रेनिंग है हाउ टू लर्न टू पे रिस्पेक्ट ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, सबको श्रद्धा कैसे करें। हमारे सामने कुछ बेटी के उम्र के लोग बैठे हैं, इन लोगों से कितना कुछ सीखना है। एक दिन हम जा रहे थे, देखा एक बेटी, एक बच्ची 18-19 साल की लड़की, तो माँ को स्टेशन में क्या सेवा कर रही है। माँ उम्र हो गया 70-75 साल ऐसा होगा, उनके लिए वो क्या नहीं कर रही है, उनको आँखें से पानी आ रहे हो पूछ रहे हैं रूई से, फिर सर को क्या प्यार कर रहे हैं। मैं देखा कि अगर भगवान है तो यहाँ है, कोई मंदिर में कुछ नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है, काशी में नहीं है, काबा में नहीं है, कहीं नहीं है, मधवक्ता यक्षगान की तत्व प्रतिष्ठा मीनार में जहाँ हमारा नाम होता है। अल्टीमेट गुरु जो है वो सब आप हैं,